सुनिए सुनिए मैं बता रही हूँ, समय पर एक रुपया कोई, समय पर एक रुपया कोई हेल्प कर दे ना तो समझ लीजिए 1,00,000 है। अच्छा। और समय ना रहने पर कोई 1,00,000 रुपया करे ना, वो 1,00,000 रुपया समझ लीजिए कुछ भी नहीं है। चली रहे दी बकचोदी मत करी मस। आज रो हमारे इंटरव्यू लेते हैं, हमारे इंटरव्यू से रुआ करना कमाए तो वो 8-9 हज़ार रुपया कमाए, कमाए कि ना 8-9 हज़ार कमाए कि ना जी, आए कमाए रुआ तो कमाते हैं, तो रुआ तो बुझात ना कितना 8-9 हज़ार बता। एक मिनट रुकी, अपने चैनल पे खुद वीडियो डालते हैं तो कहे 4 महीने 8-9 हज़ार रुपया होता। चार महीने से वीडियो नहीं की डाले भैया, तो कहाँ से आई? देखिए जब गाँव में आई में वीडियो डाले, हमारा डॉलर पूरा बन गई बा, पूरा होने की। गाँव में रही कहे करे जाऊ, जाता नहीं गाँव में कमाई काहे, हमरा जरूरत पड़ता बाहर वो जाए, आदमी जाए ना, कब तक ले गाँव में रही के हूँ। गाँव में डॉलर छापी होने जाके कैसे मजदूरी करवाओ, तनी हम कह मजदूरी करावे जाई, मजदूरी करे ना शादी पर रहो, मरो तो मजदूरी करते नहीं, अपना मौगी कहते मजदूरी रहो नहीं की करो, ये करो तनी गाँव में घूम घूम क्या करते नहीं। गाँव में रहें तो बाप दोसर बा, बाहर जाए तो बाहर प्रदेश के बाद दोसर होना। चली रहे दी, कितना लोग बोल रहे आप इंटरव्यू पिंकी मत दीजिए, आपका ऐसी हालत है, 500 रुपया मांगिए तब आप इंटरव्यू दीजिए, बोलिए तो मैं अगल बगल के लोग के बोलवा के पूछवा रही हूँ आपसे। ऐसे बोलने में और 500 रुपया बोलने में क्या फर्क? बोल रहे हैं जी आपका ऐसी हालत है और शिवम कितना करेगा, तो आप जिसको इंटरव्यू दे रही हैं बोलिए उसे हमें 500 रुपया दीजिए तब इंटरव्यू देंगे, क्योंकि अभी आपको हालात पैसा की ज़रूरत है और इलाज की ज़रूरत है, आप जितना ही बोलेंगे उतना आपको तबीयत खराब होगा, आपके शरीर पे ये होगा, तब मत बोलिए, आपको बोलेंगे आपको तबीयत खराब, कोई इलाज नहीं कराएगा। सही बात है, आपकी पब्लिसिटी आपको मिल रहा है तो वो नहीं दिख रहा, पब्लिसिटी आप ही से एक मिल रहा है, बहुत लोगों से मिल रहा है, तभी सुधा आप बहुत कमा रहे हैं, कमा लिए हैं, आपसे क्या मिल इतना कमाए? अब जितना जब से हमारे इंटरव्यू लिए तब से नहीं है तो बहुत कमा लिए होंगे टोटल, आपका हमको लगता है 4-5 इंटरव्यू किए होंगे, 4-5 ही इंटरव्यू किए होंगे और उससे ज्यादा ही किए होंगे, 1-2 लाख कमा लिए होंगे। अब क्या पता 1-2 लाख नहीं कमाए तो वो 20-30 हज़ार रुपया कमा ही लेंगे। पिंकी जी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की हुई है ये बता सकती हैं? एक क्लास भी नहीं। मोबाइल वगैरह चला लेती हैं, ब्लॉग वीडियो एडिट कर लेती हैं, सब लिख पढ़ कैसे लेती हैं? ऐसे ही कर लेती हूँ जैसे आता वैसे करती हूँ। माइक से इतना दूर कहाँ जा रही हैं आप? इंटरव्यू चल रहा है, पब्लिक देख रही है, थोड़ा फ्रेंडली होकर बात करिए। पब्लिक ये भी देख रहा है ना जी, आप हमारे इंटरव्यू से इतना कमा रहे हैं। पिंकी जो है लगातार इतना गुस्सा में क्यों रहती है? ये हमसे ऐसे गुस्से में ही रहती है, गुस्से में रहती है। क्या मतलब, क्या है मतलब, क्यों इतना टेम्परेचर हाई रहता है? अब ये हम क्या बताएं कि क्यों इतना मतलब इसका टेम्परेचर हाई रहता है। अभी तो मान लीजिए आप 2 से 3 होने वाले हैं, उसके बाद से जो कठिनाइयाँ समस्या आएंगी उसको कैसे मैनेज करिएगा? उसको देखिए हम अभी सोचें कि जब मतलब पिंकी का लड़का हो जाएगा तो पिंकी और पिंकी मतलब पिंकी हमारा लड़का पिंकी के घर तब तक कुछ दिन रहेंगे और मैं बाहर जाके कमाऊंगा जी। इनके घर से कॉल वगैरह आता है इनका हालचाल लेने के लिए? इनकी माता जी फ़ोन करती है, माने आपकी सास इनके आपके पास फ़ोन करती है? हमारे पास हम नहीं बात करते हैं। आपके पास आपकी माता जी फ़ोन करती हैं, क्योंकि माँ जो है एकदम उसको एकदम जननी माना गया है। आप अपने शादी कीजिएगा तब आपको पता लगेगा। आपकी काहे ना इतना बमक जा रही है? पिंकी जी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की हुई है ये बता सकती हैं? एक क्लास भी नहीं। मोबाइल वगैरह चला लेती हैं, ब्लॉग वीडियो एडिट कर लेती हैं, सब लिख पढ़ कैसे लेती हैं? ऐसे ही कर लेती हूँ जैसे आता वैसे करती हूँ। माइक से इतना दूर कहाँ जा रही हैं आप? इंटरव्यू चल रहा है, पब्लिक देख रही है, थोड़ा फ्रेंडली होकर बात करिए। पब्लिक ये भी देख रहा है ना जी, आप हमारे इंटरव्यू से इतना कमा रहे हैं। सुनिए सुनिए मैं बता रही हूँ, समय पर 1 रुपया कोई, समय पर 1 रुपया कोई हेल्प कर दे ना तो समझ लीजिए 1,00,000 है। अच्छा। और समय ना रहने पर कोई 1,00,000 रुपया करे ना, वो 1,00,000 रुपया समझ लीजिए कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है जहाँ तक इंसानियत जिंदा है आपको कोई ट्रेन में से उठा नहीं सकता था, जब अगर आप ट्रेन में चढ़ जाती। मेरे को तो सच में कोई नहीं उठा सकता है, TTO और GRPA मेरे को तो देखते ही सलाम ठोकने लगे। सलाम का लिए ठोकेंगे, देख के चले जाते थे। हाँ। और क्या, जहाँ तक बात रही शिवम बाबू तो कैसे भी आ सकते थे, नौजवान युवा है। शिवम बाबू नौजवान ही है तो किसी तरह आ जाएंगे। हाँ। आप किसी तरह कहीं चले जाइएगा, खड़े होकर चले जाएंगे, एक दिन जाइएगा, 2-3-4 दिन का सफर में आप खड़े को चले जाइएगा। बेंगलोर से गोरखपुर 4 दिन का सफर है क्या? जी सीधा वहाँ से गोरखपुर दानापुर। आप तो बोले थे हम टिकट करवा दे रहे हैं, आज रो हमारे इंटरव्यू लेते हैं, हमारे इंटरव्यू से रुआ करना कमाए तो वो 8-9 हज़ार रुपया कमाए, कमाए कि ना 8-9 हज़ार हाँ कमाए कि ना जी, आए कमाए रुआ तो कमाते हैं, तो रुआ तो बुझात ना कितना 8-9 हज़ार बता। एक मिनट रुक,
की अपने चैनल पे खुद वीडियो डालते हैं तो कहे 4 महीना 8-9 हजार रुपया होता। चार महीने से वीडियो नहीं की डाले भैया, तो कहाँ से आई? देखिए जब गांव में आई में वीडियो डाले, हमारा डॉलर पूरा बन गई बा, पूरा होने की। गांव में रही कहे करे जाऊं, जाता नहीं गांव में कमाई काहे, हमरा जरूरत पड़ता बाहर वर जाए आदमी जाए ना, कब तक ले गांव में रही के हो? गांव में डॉलर छापी होने जाके कैसे मजदूरी करवाओ तनी केना लगा? हम कह के मजदूरी करावे जई, मजदूरी करे में ना शादी पर रहो मरो तो मजदूरी करते नहीं, अपना मौगी कहते मजदूरी रहो नहीं की करई करे तनी गांव में घूम घूम का करते नहीं। गांव में रहन तो बाप दोसर बा, बाहर जाए तो बाहर प्रदेश के बाद दोसर होला। चली रहे दी, चली रहे दी रो बकचोदी मत करे मस। कितना लोग बोल रहे आप इंटरव्यू पिंकी मत दीजिए, आपका ऐसी हालत है, 500 रुपया मांगिए तब आप इंटरव्यू दीजिए, बोलिए तो मैं अगल बगल के लोग के बोलवा के पूछवा रही हूँ आपसे। ऐसे बोलने में और 500 रुपया बोलने में क्या फर्क? बोल रहे हैं जी आपका ऐसी हालत है और शिवम कितना करेगा, तो आप जिसको इंटरव्यू दे रही हैं बोलिए उसे हमें 500 रुपया दीजिए तब इंटरव्यू देंगे, क्योंकि अभी आपको हालात पैसा की ज़रूरत है और इलाज की ज़रूरत है, आप जितना ही बोलेंगे उतना आपको तबीयत ख़राब होगा, आपके शरीर पे ये होगा, तब मत बोलिए, आपको बोलेंगे आपको तबीयत खराब, कोई इलाज नहीं कराएगा। सही बात है, आपकी पब्लिसिटी आपको मिल रहा है तो वो नहीं दिख रहा, पब्लिसिटी आप ही से मिल रहा है, बहुत लोगों से मिल रहा है, इंटरव्यू से तो आप बहुत कमा रहे हैं, कमा लिए हैं, आपसे क्या नहीं इतना कमाए? अब जितना जब से हमारे इंटरव्यू लिए तब से नहीं है तो बहुत कमा लिए होंगे। टोटल आपका हमको लगता है 4-5 इंटरव्यू किए होंगे, 4-5 ही इंटरव्यू किए होंगे और उससे ज्यादा ही किए होंगे, 1-2 लाख कमा लिए होंगे। अब क्या पता 1-2 लाख नहीं कमाए तो वो 20-30 हजार रुपया कमा ही लेंगे। चलिए कुछ आपको गिफ्ट दिया जाएगा, आप खिसियाइए मत, जब अगर बाबू होगा शिवम भाई का तो ऑन कैमरा बात हो रहा है, इनको अच्छा सा एक उपहार दिया जाएगा, आप खुश है ना? नहीं नहीं उतना हमारे पास कैपेसिटी है, मत दीजिए। उपहार कैपेसिटी की बात नहीं, अपने खुशी की बात, हम खुशी से हम लोग करेंगे। चलिए बस, चलिए पिंकी जी हमेशा गुस्से में रहती हैं, बाकी शिवम जी अभी क्या कुछ चल रहा है आप लोग के लाइफ में? अभी सब नॉर्मल चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है जी। अभी जो बता रहे थे कि जो पिंकी जी हैं माँ बनने वाली हैं, तो कब तक जो है खुशखबरी लोगों के बीच आने वाली? अगस्त में। अगस्त जी। अभी इससे पहले आप लोग कहाँ? बेंगलोर। बेंगलोर कब बिहार में आना हुआ? हो गया 6-7 दिन। 6-7 दिन जी, मतलब अभी यहाँ पे रहना है कि फिर कहीं जाना है? यहीं रहना है, यहीं रहना है। चलिए असल मुद्दे की बात पे आते हैं, लगातार आप लोगों का वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें आप बोल रहे हैं कि हम शादी होते इनको छोड़ देंगे, ये बोल रहे हैं कि शादी होते ये हमको छोड़ देंगे, इस प्रकार से सोशल मीडिया पर जो वीडियो है वो चल रहा था, आप भी देखी होगी। तब दोहरा का शादी होगा क्या? आप दोहरा का शादी करवा? शादी सॉरी यार गलत बोलते नहीं हम ना, बताओ नहीं कर यार हमको शादी होते छोड़ देंगे। उस दिन हमारे में हमारे पिंकी में था, मतलब कहा सुनी हुआ था, इसलिए हम मतलब गुस्से गुस्से में बोले थे। कहा सुनी के लिए आप छोड़ देंगे? नहीं गुस्से में मैं बोला था। हाँ, जी क्या बोले थे? कि छोड़ दूंगा। छोड़ देंगे जी, मतलब जब भी ऐसी कहा सुनी होती है तो आप इनको यही बोलते हैं कि छोड़ देंगे छोड़ देंगे? हरदम से कहा बोला, मतलब उस दिन पहली बार बोला हूँ मैं। अच्छा। जी कहा सुनी आखिर होती क्यों है? बस छोटे छोटे बातों पर हर मियाँ बीवी में होता है। अच्छा, मतलब बात कौन नहीं मानता, आप नहीं मानते कि ये नहीं मानते? दोनों ही आदमी एक दूसरे का नहीं मानते हैं। बाकी क्या कुछ कहिएगा, जब लगातार आप भी बोल रही थी गुस्से में तो आप भी दिखी थी उस दिन। मैं तो कुछ बोलूंगी नहीं, मतलब गुस्से में आप उस दिन दिखी थी, लगातार जनता कमेंट कर रही थी, तो मतलब आप लोगों में जब लड़ाई झगड़ा होता है तो इस प्रकार से देखने को मिलता है? आप ना शादी कीजिए, आपको भी पता लग जाएगा। होगा वो बात की बात है, लेकिन आप जब भी शादी